चुनावी साल से पहले झारखंड कांग्रेस में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। गुरुवार को रांची के मोरहाबादी में कांग्रेस से निलंबित नाराज गुट के नेताओं ने प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ धरना दिया। मोरहाबादी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इन नेताओं का आरोप है कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी मनमानी कर रहे हैं, इसलिए आलाकमान को उन्हें हटा देना चाहिए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संगठन विरोधी कार्य में लिप्त हैं। तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। बोर्ड निगम के गठन में बिना रायशुमारी के दूसरे दलों से आए हुए लोगों को अवसर देने की कोशिश हो रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बोर्ड निगम में नॉन डिजर्विंग को जगह देने की बात अगर सही साबित हुई तो पार्टी में बगावत होगी और 2024 के चुनाव में खामियाजा भुगतने के लिए भी प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेवार होंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे अच्छे आदमी हैं और NSUI युवा कांग्रेस की परिष्ठ भूमि से निकलकर राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बने हैं। संगठन के निष्ठावान एवं कर्मठ नेता भी हैं, परंतु ऐसी कौन सी मजबूरी है जो निकम्मे एवं अनुपयोगी अध्यक्ष को ढो रहे हैं। जिस व्यक्ति का ना कोई अपनी पकड़ है, ना कोई राजनीतिक हैसियत है और ना पहचान है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 20।